हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय शक्ति ऑटो सर्विस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे पास आई हुई है ई व्हीकल इलेक्ट्रिक बाइक। उसका हमें रियर ब्रेक शू चेंज करना है। तो किस तरह से हम रियर ब्रेक शू चेंज करेंगे और कौन से पार्ट हमें निकालने पड़ेंगे, ये सारा वीडियो उसके ऊपर ही है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक नहीं लग रही है। इसका ब्रेक शू भी पूरा हो चुका है। तो पहले हमें इस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमें 10 नंबर के बोल्ट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको भी निकालने के बाद इसको निकालने का है। और बाद में ये हमारा जो ब्रेक शू का बोल्ट है उसको भी निकालना पड़ेगा। फिर इस साइड इस पैनल को भी हमें निकालना पड़ेगा, ये दोनों बोल्ट खोल के। फिर यहाँ पे जो हमारा मेन बोल्ट है आपको दिखाई देगा, इसको भी निकालना पड़ेगा और इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं ये दोनों बोल्ट। ये हमारा 10 नंबर का टीस है। तो हमने ये पैनल रिमूव कर लिया है। अभी इस साइड का पैनल हम रिमूव करेंगे। दोस्तों, इस साइड का पैनल भी हमने निकाल दिया है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 नंबर का बोल्ट दिखाई दे रहा है, उसको हमें खोलना है। ये दोनों साइड सेम रहेंगे, इस साइड और उस साइड भी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक बोल्ट, उसको भी हमें निकालना है। ये निकाल दिया है मैंने बोल्ट। अब दोनों साइड हम स्प्रे लगा देते हैं, जंक स्प्रे, ताकि बोल्ट आसानी से खुल जाए। तो दोस्तों, काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी ये बोल्ट नहीं खुल रहा है। यहाँ वायर टूटने की बहुत ज़्यादा, वायर टूट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। और ये हमारा बोल्ट है दोनों की साइड, उसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोल्ट इतना खोल दिया है, आप देख सकते हो। अब उस साइड भी इतने में खोल लेता हूँ। दोस्तों, इनको भी इतना खोल दिया है। अब हम पीछे का जो ये हमारा है, पीछे का टायर है जो हमारा, उसको धीरे धीरे हम निकालेंगे।
देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का टायर है वो निकल चुका है। अब हमें इसको निकालते हैं, इसको इस बोल्ट निकालेगा, बाद में ये हमारी प्लेट निकलेगी। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे पट्टे ही टूट गए हैं दोनों, देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये पूरे पट्टे ही टूट चुके हैं। देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाइक की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहिए, ताकि ये दिक्कत ना आए। आप देख सकते हो, पहले हम पास पर की मदद से इसको क्लीन करेंगे। ये है हमारा दोस्तों ब्रेक शू, इसकी जो ग्रिप थी वो निकल चुकी है। तो दोस्तों, काफी मशक्कत करने के बाद, काफी सारे स्पेयर पार्ट की दुकानों पे जाने के बाद, अभी मुझे TVS स्कूटी पेप का ब्रेक शू मिला है। और इसका स्पेशल तो है नहीं, तो हम ये फिटिंग करके देखते हैं होता है फिटिंग या नहीं होता। तो फाइनली फिटिंग तो हो गए है हमारे ब्रेक शू। हम देखते हैं अब लगा के। तो इस साइड लग चुका है हमारा बोल्ट, ये बोल्ट भी हमने लगा दिया है। अब उस साइड फिटिंग करते हैं। ये दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं हमारे। अब सिर्फ हमारा ब्रेक का एडजस्टमेंट है, वो करवाना बाकी है। और यहाँ पे जो एक कवर लगेगा, यहाँ पे जो कवर आए हमने खोला है, उसको लगाना बाकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने ब्रेक का एडजस्टमेंट कर लिया है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट, और ये व्हीकल है हमारा, तो अभी स्टार्ट करके मैं आपको ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लग चुकी है हमारी ब्रेक।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।